2 अगस्त 2018 डीआरएम ऑफिस चैंबर में रनिंग स्टाफ भाइयों का बहनों का समस्या संक्षिप्त रूप में हम चर्चा किया। वही क्रम में सितंबर 2018 में 24 सितंबर 2018 में जोधपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ अधिवेशन में मैं भाग लिया। ये 96 प्रतिनिधि बन के वहीं भाग लिया। दो शब्द दर बोला, रनिंग स्टाफ भाइयों का समस्या बहुत है, लेकिन NFIR MN प्रसाद जी का साथ है, मैं समर्थन करेगा, साथ दिएगा। कारण क्या है? नेता का निष्ठा, नेता का कर्तव्य, नेता का डेडिकेशन, नेता का डिवोशन। जो मुझे फोन पे बात किया, आज का धरना जंतर मंतर धरना में आप भी आना पड़ेगा। मैं फोन पे मैं बोल दिया मैं जरूर आएगा, मैं आया, आपका सामने हाजिरी दिया। आज किलोमीटरेज रेट का फार्मूला का बारे में और बल्ला कमेटी रिपोर्ट का सारांश क्या है, अशराफ कमेटी रिपोर्ट का सारांश क्या है, प्रसाद जी आपका सामने रखे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रसाद जी को, जब NFIR का तरफ से मैं किलोमीटरेज रिवीजन का एक जस्टिफिकेशन बना के दिया रेल मंत्रालय को, मेरा मोबाइल पे मुझे अभिनंदन करते हुए MN प्रसाद जी ने मैसेज दिए, मैं आपको आभारी हूं। ये उद्देश्य क्या है? प्रचार के लिए नहीं, हम निस्वार्थ सेवा देना पड़ेगा। हमारा लोको पायलट सीनियर ALP ALP कठिन परिस्थिति में काम करते रहते, अगेंस्ट नेचर काम करते, परिवार से दूर रहते, 70 घंटा और 80 घंटा कनेक्टिविटी नहीं है परिवार से, और इतना कठिन परिस्थिति में गाड़ी चलाते। मैं रनिंग स्टाफ का कर्मचारी नहीं हूं, लेकिन रनिंग स्टाफ का हर इश्यू पे, हर सब्जेक्ट पे मैं अध्ययन करके NFIR का तरफ से रेल मंत्रालय के सामने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन प्रसाद जी का इनपुट्स भी लेके कोजेंट केस बना के रखा। आप थोड़ा आपको आज याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर अनिल काकोडकर कमिटी का जब रिपोर्ट आई, रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी के रिपोर्ट दिए, 14 टाइप लोकोमोटिव्स है भारतीय रेल में, स्किल्स के बारे में और ऑब्जर्व करने के लिए स्किल्स नॉलेज डेवलप करने के लिए क्वालिफिकेशन कंसेप्ट के बारे में लिखे, वही कोट करके NFIR का PNM एजेंडा में मैं रखा। क्वालिफिकेशन इंप्रूव करके ALP का एंट्री ग्रेड पे रिवाइज करना पड़ेगा, 1900 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे रद्द करके नया एंट्री ग्रेड पे को पायलट पायलट का एक नया स्ट्रक्चर कैडर स्ट्रक्चर के लिए NFIR रखी। लेकिन मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम सारे लोग रेल कर्मचारी हैं। 436 कैटेगरी में काम करने वाले रेल कर्मचारी हम तो
रेल कम्युनिटी है आपका, आप क्रूशियल ड्यूटी आप करते रहते हैं। कारण क्या है, आज का तारीख में डिप्लोमा इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स एएलपी में आ गए। ये नेगेटिव सिचुएशन को तोड़ने के लिए एनएफआईआर रखी। जब फेडरेशन जीतेगी, ये आपका जीत होगी, ये एलआरएसए का जीत होगी। ये मैं तो क्रेडिट नहीं लिएगा, क्रेडिट तो हमारा भाइयों को मैं दिएगा। मैं उदाहरण के लिए ये एंट्री ग्रेड पे ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट मस्ट बी रिवाइज्ड बाय अबॉलिशिंग 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। ये है एनएफआईआर का कंसेप्ट, ये मेरा एजेंडा आपका सामने में रख रहा हूं। भाइयों, एक जमाना में लोको पायलट मेल एक्सप्रेस का 700-900 पे स्केल, बाद में 2000-3200 पे स्केल, बाद में खत्म कर दिया। फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन टाइम पे जब गंभीर अनामली आई, हम टेकअप किया, 6000-9800 पे स्केल लाए, सरकार को झुका के लाए। लेकिन आज का तारीख में फिर डिप्रेस करके 4200 ग्रेड पे दिया, 4200 गुड्स पायलट से मेल पायलट तक 4200 है। ये भी रेक्टिफाई कराने के लिए एनएफआईआर तो आपका ही है, ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भी आप है, मैं भी हूं, हम सभी मिलके लड़ने के लिए मैं बोल रहा हूं। इसमें जो चरित्र थी 700-900 से किस ढंग से ये डिटीरिएट कर दिया, डिप्रेस कर दिया। एलपी मेल एक्सप्रेस का पे स्ट्रक्चर अभी नीचे आ गई 4200 ग्रेड पे। ये नोट बना के भारत सरकार रेल मंत्रालय के सामने हम रखे, 25 अक्टूबर 2018 लेटेस्ट मीटिंग रेलवे बोर्ड से मैं किया। मैं बोला रेलवे बोर्ड तुम लोग धोखा दिया, तुम पे कमीशन के सामने एक्सप्लेन नहीं किया सच्चाई। जब अग्री किया 4600 ग्रेड पे देने के लिए, ये वास्तव परिस्थिति आप नहीं लेके समझ पे कमीशन सामने। आज मेरा रनिंग स्टाफ मुझे गाली देते, मैं गाली सुन रहा हूं, आप तो एयर कंडीशन चैंबर में बैठ के आप आराम कर रहे हैं। मैं बोला 25 अक्टूबर 2018 रिकॉर्ड नोट ऑफ डिस्कशन आप दया करके पढ़िए। ये एनएफआईआर का मीटिंग क्या रिकॉर्ड किया, मेरा निष्ठा मैं प्रूव करने के लिए मैं ये रिकॉर्ड नोट ऑफ डिस्कशन अभी आज का ये धरना में, महाधरना में मैं कोट कर रहा हूं, आप पढ़िए। ये है फेडरेशन का कैरेक्टर, राघवैया का कैरेक्टर, कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। ये रेलवे बोर्ड ने राइटिंग में भी कमिटमेंट किए, हम पुनः ये रिव्यू करके रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे देखेंगे। जब हड़ताल करना है, सारे कर्मचारी जॉइंटली हम मिलके निर्णय लेके, जब हड़ताल करने के लिए हम तैयारी करना पड़ेगा सरकार को झुकाने के लिए और हमारा डिमांड पे फलित लेने के लिए। प्री 2016 रनिंग स्टाफ भाइयों का पेंशन के बारे में गंभीर समस्या है। 24 जनवरी 2018 रेल मंत्रालय का जो आदेश निकली वो बोगस है, फर्जी है, बोगस है। विस्तार रूप में एनएफआईआर काउंटर दी, आप पैरिटी नोशनल पे एलिमेंट
55% पे एलिमेंट कैलकुलेट करने करके आदेश इश्यू करने में आप लोग विफल हो गए। ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, एक साल हो गया चल रहा है, ये भी पेंडिंग एजेंडा है। मैं आपका सामने ये भी ये पॉइंट आपको कन्विंस करने के लिए आपका सामने रखा। भाइयों, हर इश्यू पे फेडरेशन आपका ग्रीवेंस पे आपका साथ है। हेडक्वार्टर्स के रेस्ट के बारे में, हेडक्वार्टर्स रेस्ट शुड बी नॉट लेस देन 24 घंटा। आप एजेंडा पढ़िए, फेडरेशन का एजेंडा में है। 17 GM को चिट्ठी भी गई, कमेंट्स कॉल पर किया। हमारा उद्देश्य क्या है, आप साइन ऑफ करेंगे मिनिमम 24 घंटा रेस्ट लेना, परिवार से थोड़ा आराम करके आप जीवन चलाने के लिए ये परिवर्तन लाने का NFIR का देह है। हम प्रयास करेंगे, आप भी, मुझे विश्वास है आप मुझे साथ देंगे। प्रसाद जी तो मेरे साथ है, MN प्रसाद जी तो मेरे साथ है। हम दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं, कारण क्या है, ऑनेस्ट वर्किंग, डेडिकेटेड वर्किंग, डिवोटेड वर्किंग एजेंडा, कर्मचारी के हित में काम करना। दूसरा एजेंडा कुछ भी नहीं, स्वार्थ एजेंडा नहीं है, यही एजेंडा लेके हम आगे चलेंगे। भाइयों, रनिंग स्टाफ का किलोमीटरेज रिलेटेड अलवेंसेस बहुत समय से आज भी पेंडिंग है। स्पैड के बारे में लड़के थोड़ा रिलीफ लाए, स्पैड का रिलीफ मिली। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई संघ में जनरल सेक्रेटरी हूं। 11 लोग रिमूवल फेस किया, रिमूव हो गए थे, सारे लोग वापस आ गए और एक बच गया, वो भी जल्दी से हम विक्टिमाइजेशन से दूर करेंगे। जब खड़गपुर में रनिंग स्टाफ को विक्टिमाइज किया, 14-2 इन्वोक करके NFIR कंडेम की, कारण क्या है, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हम कंडेम करना पड़ेगा, हम किया। लेकिन आज देश का परिस्थिति ठीक नहीं है, सरकार लंबा प्रचार करती, कुछ भी वास्तव में कुछ भी नहीं किया। स्किल इंडिया बोला माननीय प्रधानमंत्री, बोला स्किल इंडिया, स्किल है, यस गायब हो गई। आज का स्किल इंडिया में जब यस माइनस करिए क्या बन गई, आप थोड़ा सोचिए। ये परिस्थिति आई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी खत्म हो गए। देश को बचाना, रेल को बचाना, रेल कर्मचारियों को बचाना और रनिंग स्टाफ का समस्या दूर करना। ये रनिंग स्टाफ समस्या दूर करने के लिए NFIR एवं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन हम संगठित शक्ति बन के हम आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करने के लिए जॉइंटली निर्णय लेंगे और हमारा समस्या का समाधान लाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए जो करना है वो करने में NFIR भी आपको साथ दिएगी। आज मुझे निमंत्रण बेसिस में आया, मैं पुनः MN प्रसाद जी को धन्यवाद करते हुए मेरा वाणी मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, NFIR जिंदाबाद।